Good morning, students. Today we are discussing the 9th chapter of our syllabus, coordination compounds. Maharashtra State Board का chapter 9, coordination compounds आज discuss करने वाले हैं. आज सिर्फ उसका एक elementary introduction देती हूँ. Okay? I am Dr. Sangeeta Radhakrishnan and I will take you through this chapter. तो हम देखते हैं क्या होते हैं coordination compound, coordination compound. Now ये नाम वगैरह आपको नहीं देखना है. दिस स्टेज आप सिर्फ ये फॉर्मूला देखो और ये जो स्क्वेयर ब्रैकेट्स में इस तरह से लिखे होते हैं ना, ये होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट. ओके, ये स्क्वेयर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है ना. लुक एट दिस, यहाँ स्क्वेयर ब्रैकेट में कुछ है और स्क्वेयर ब्रैकेट के बाहर भी है. तो दीज का टाइप ऑफ कंपाउंड आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. यहाँ पीछे है, यहाँ देखो, यहाँ ब्रैकेट के आगे कुछ है. So these are known as coordination compounds. उसमें कुछ पार्ट हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाला हुआ है. अब coordination compound में देखो, यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ बीच में कोबाल्ट है और आपको 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स दिखेगा और बाहर आपको 3 क्लोरीन या क्लोराइड आयन्स दिखते हैं. तो ये जो अंदर है इसको, ये पूरा डब्बे को हम बोलते हैं coordination sphere. क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ये डब्बे के अंदर जो भी है ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और बाहर जो है वो काउंटर आयन बोलते हैं. ओके, वो क्या है हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे, पर हमको पहले क्या याद रखना है कि ये डब्बे के अंदर जो है इसको क्या बोलते हैं, पूरा डब्बे को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और जो बीच में होता है ना इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन. सेंट्रल मेटल, ये मेटल होता है और ये जो है इनको बोलते हैं लिगंड. ओके, सो अमोनिया जो है ये लिगंड है. कितना लिगंड है यहाँ पे? 6 लिगंड है. जितना लिगंड है उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, वो बाद में देखते हैं. पर जो सेंटर में है ये सेंट्रल मेटल आयन हुआ और ये जो है ये सारे लिगंड हो गए. ओके, 6 अमोनिया लिगंड है, बाहर जो है ये काउंटर आयन है. यहाँ देखो, अभी आपको सेंट्रल मेटल आयन दिख रहा है, ये आयन है Fe और उसका लिगंड जो है ये वाटर मॉलिक्यूल है H2O. अब यहाँ पे खासियत क्या है? What is different in a coordination compound? Usually हम लोगों की आदत है, दो टाइप के बॉन्ड्स हम जानते हैं. एक तो हम आयोनिक बॉन्ड जानते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम द कैटायन टू द एनायन, और दूसरा हम जो जानते हैं दैट इज कोवैलेंट. ना, कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कैसे होते हैं? हम जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग से होते हैं. कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होता है. तो हमारी आदत क्या है, हम देखते हैं कि ये Fe और H2O इनके बीच का जो बॉन्ड है ये कोवैलेंट है. ये Fe और H2O का बॉन्ड किस तरह का है? कोवैलेंट बॉन्ड है. लेकिन लेकिन क्या होता है, यूजुअली कोवैलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन Fe से आना चाहिए. यूजुअली कोवैलेंट बॉन्ड में जब शेयरिंग होता है तो दोनों ही जो स्पीशी होते हैं दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर शेयरिंग होता है. शेयरिंग तो ऐसा ही होना चाहिए कि हम दोनों ने थोड़ा थोड़ा दिया और शेयर कर लिया. पर यहाँ पे आयन कुछ भी नहीं देता है जबकि दोनों ही शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है. इसीलिए हमने ये एरो दिखाया, डायरेक्शन यहाँ से आकर Fe को मिलता है. तो जो शेयरिंग होता है दोनों ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है एंड सच बॉन्ड्स आर नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. है तो कोवेलेंट ही, शेयरिंग ही होगा बाद में और बाद में आपको कोई फर्क भी नहीं दिखेगा कि वो शेयर किस तरह से हुआ, कहाँ से आया. पर हम जानते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ही आता है. सो ईच ऑफ द 6 वाटर लिगेंड्स, ईच ऑफ द 6 H2O लिगेंड्स फॉर्म्स 1 कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है डेटिव. ओके, कोऑर्डिनेट डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन. सो ईच ऑफ द 6 H2O लिगेंड्स फॉर्म 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन यूजिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, सो इट इज यूजिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑक्सीजन एटम. दैट इज हाउ इट इज फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो आप समझ गए कोऑर्डिनेट क्या है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आ रहा है, ऑक्सीजन से ही आ रहा है. तो यहाँ 6 ऑक्सीजन एटम है, 6 वाटर मॉलिक्यूल का, और वो 6 ऑक्सीजन अपना अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है वो Fe को दे रहा है जबकि Fe अपने तरफ से कुछ भी नहीं दे रहा है. तो जहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आता है वी कॉल इट एज कोऑर्डिनेट और डेटिव कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे. इसीलिए ये पूरा कंपाउंड का ही नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. ओके, देखो लिगेंड,
लिगेंड मीन्स बंधा हुआ, बांधना, ओके। तो ये लिगेंड को बांध दिया है, कैसे, वो खुद ही उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देके अपने आप को बांध लिया उसने सेंट्रल मेटल एटम से। तो यहाँ देखो ये कॉपर है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ देख सकते हैं आप ये सेंट्रल है और ये लिगेंड है। तो लिगेंड जो है NH3 वो अपना इलेक्ट्रॉन देकर कॉपर से बंध रहा है। नाउ बाय डेफिनेशन जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर नोन एज लुईस एसिड्स। सो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्या हुआ, लुईस एसिड हुआ, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, वो होता है लुईस बेस। तो क्योंकि N यहाँ का NH3 का N इलेक्ट्रॉन देता है, ये NH3 को हम बोलते हैं लुईस बेस। तो ये कॉपर हुआ लुईस एसिड क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेता है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड दिस इज नोन एज अ लुईस बेस बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो ये बन जाता है कॉम्प्लेक्स आयन, इसको हम कॉम्प्लेक्स आयन भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बन गया अभी बिकॉज पूरा ही अमोनिया से उनको इलेक्ट्रॉन मिला है कॉपर। ओके, सो व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स आयन, द कॉम्प्लेक्स आयन इज अ मेटल आयन विद लिगेंड्स टाइड ऑन इट। ओके, सो व्हेन लिगेंड्स आर टाइड ऑन टू इट, इट इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स आयन। लेट अस नाउ सी द होल टर्मिनोलॉजी विच इज यूज्ड हियर। यू कैन सी बाहर जो है, ये डब्बे के बाहर जो है दैट इज नोन एज अ काउंटर आयन। ये पूरा डब्बे के अंदर जितना भी है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, दिस एंटायर एंटिटी, ये पूरा का पूरा डब्बे के अंदर को बोलते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर। ये जो एटम है आयन, इट इज अ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। और ये जो है ये लिगेंड है क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन देकर अपने आप को इससे बांध लेता है। So this is the central metal ion and this is the ligand. Okay, so once again whatever is inside the square bracket, that is a whole square bracket ko hum bolte hain coordinate sphere. Coordinate sphere ke andar metal hota hai, metal ion hota hai aur ligand hota hai. So this is a metal ion and this is a ligand. Aur jo bracket ke bahar hai, that is known as the counter ion. फिर हम टाइप्स ऑफ लिगेंड्स पढ़ते हैं, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। ओके, यू कैन क्लासीफाई लिगेंड्स एज मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट। आपको यहाँ दिख रहा है मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट। अब मोनोडेंटेट मतलब उसका डेंट का मतलब है दांत, टीथ। ओके, मोनोडेंटेट मीन्स उसका एक दांत है, बाइडेंटेट यानी उसके दो है, और पॉलीडेंटेट उसके अनेक है, देयर आर मेनी टीथ। ओके, सो मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर पॉसिबल। नाउ लेट अस सी व्हाट इट मींस। ये देखो ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये जो आपको सांप का दांत याद है ना, दो दो दांत साथ में दिखता है, बिल्कुल वैसा ही ये दोनों को साथ में हम एक दांत काउंट करते। सो दिस इज जस्ट वन पेयर, वन टीथ, सो मोनो एक। ओके, सो दिस इज मोनोडेंटेट लिगेंड क्योंकि ये एक ही पेयर है और ये दोनों को साथ में हम काउंट करके बोलते हैं मोनोडेंटेट। तो ये एक दांत वाला लिगेंड है। नेक्स्ट वी आर सीइंग बाइडेंटेट। ये देखो इसके पास ये नाइट्रोजन पे भी एक दांत है, ये नाइट्रोजन पर भी एक दांत है। सो इट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, दिस इज अ बाइडेंटेट लिगेंड बिकॉज दोनों पर ही एक एक दांत है। याद रखना दोनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ हम एक दांत समझते हैं, सो देयर इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। और ये जो स्पेसिफिक लिगेंड है इसका नाम है इथिलीन डायमाइन, इथिलीन बिकॉज दो कार्बन है, इथिलीन डायमाइन, और इसको हम सिंबल इसका लिखते हैं EN, स्मॉल EN। ओके, सो इथिलीन डायमाइन। वो पकड़ते कैसे, देखो ये पीछे हम फिर एक बार देखते हैं, इसका एक दांत है जो वो मेटल एटम को दे सकता है, इसका एक दांत है जो वो मेटल एटम को दे सकता है। इस तरह से दोनों तरह से वो अपना इलेक्ट्रॉन्स देकर दो दांत से वो अपने आप को बंधा लेता है। तो वो बंधा जो है NH2 अपने आप को बांध लेता है सेंट्रल मेटल एटम से दोनों तरफ से अपना ही इलेक्ट्रॉन देकर। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइडेंटेट लिगेंड, इथिलीन डायमाइन। फिर बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ देखो एक दांत, दो दांत, तीन दांत, सो दिस इज ट्राइडेंटेट, इसका नाम है डाइथिलीन ट्राइअमाइन। ओके, डाइथिलीन ट्राइअमाइन, यहाँ टेट्रा है, देखो एक दो तीन चार, सो दिस इज ट्राइथिलीन, एक दो तीन इथिलीन है, सो ट्राइथिलीन टेट्राइअमाइन। और ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, हेक्साडेंटेट, हम देखते आगे वापस, मैंने बताया है
ये मोनोडेंटेट है, देखो एक ही दांत है और सेंट्रल मेटल एटम को दे रहा है, सो दिस इज मोनोडेंटेट। दिस इज बाइडेंटेट क्योंकि उसके पास दो दांत है और दोनों से ही उसने मेटल को कंट्रीब्यूट कर दिया और अपने आप को बांध लिया है, सो दिस इज बाइडेंटेट लिगैंड। दिस इज पोलोडेंटेट क्योंकि यहाँ देखो यहाँ से एक जोड़ दांत है, यहाँ दूसरा दांत है, यहाँ तीसरा है और यहाँ चौथा है, सो दिस इज पॉलीडेंटेट, यहाँ पे टेट्रा। ओके, हेक्साडेंटेट सिक्स टीथ, ये देखो यहाँ एक दांत है, ये ऑक्सीजन पे, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, तो इस तरह से छह दांत से बंधा हुआ है ये सेंट्रल मेटल एटम। ओके, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, सो इट इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड और इसका नाम है ई डी टी ए। ई स्टैंड्स फॉर इथिलीन, ओके, ये है इथिलीन, ये CH2, डाइएमाइन NH2, सो दिस इज इथिलीन डाइएमाइन, टेट्रा एसिटेट, यहाँ एसिटेट है, ओके, एंड टेट्रास 4-acetate ग्रुप, सो इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, तो दिस इज ए हेक्साडेंटेट लिगेंड। ओके, तो इतना हमारे लिए आई थिंक काफी है अभी जस्ट नाउ। उसके बाद जो है वो है एम्बीडेंटेट, वो हमने जो सीखा वो दांत पर है, कितने दांत है, यहाँ पे एम्बीडेंट, एम्बीडेंट यानी दांत तो है लेकिन कौन से दांत से काटना है, दिखाने वाला या खाने वाला, तो ये है देखो नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप में नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर होता है, तो वो अपने मूड के अनुसार अगर नाइट्रोजन से अपना बांध लेता है तो वो नाइट्रो बनता है और अगर ऑक्सीजन से बन जाता है तो नाइट्रीटो बोलते हैं हम, पर वो इलेक्ट्रॉन किसी से भी दे सकता है, यानी वो नाइट्रोजन से भी दे सकता है और ऑक्सीजन से भी दे सकता है। इसका सिंपल लॉजिक ऐसा है कि जैसे हमने महाभारत का अर्जुन के बारे में सुना है कि अर्जुन लेफ्ट हाथ से भी अपना बो चला सकता था और राइट हाथ से भी चला सकता, दोनों तरफ से जब हम चला सकते हैं हम उसको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं, तो यहाँ पे एम्बीडेंट यानी वो कोई भी दांत से पकड़ लग सकता है, वो नाइट्रोजन वाला दांत से पकड़ो या ऑक्सीजन वाला दांत से पकड़ो, तो यहाँ पे नाइट्रोजन वाला दांत से पकड़ा हुआ है मेटल को तो हम उसको नाइट्रो बोलते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन वाले से पकड़ा है तो हम उसको नाइट्रीटो बोलते हैं। और फिर ये देखो यहाँ SCN, अगर S वाले ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हम बोलते हैं थायोसाइनेटो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो S से ही पकड़े, वो N से भी अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते, तो अगर N ने अपना लोन पेयर दे दिया तो आइसोथायोसाइनेटो। ओके, सो इस तरह से एम्बिडेंट होता है यानी उसके पास दो एटम पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों तरफ से वो किसी भी एटम से वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और जिससे वो उसने डोनेट किया उससे उस तरह से हम नेम भी करते हैं, एंड वी अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू डिफरेंट वेज इन विच इट कैन कंट्रीब्यूट, इट कैन ईदर कंट्रीब्यूट थ्रू नाइट्रोजन और इट कैन कंट्रीब्यूट थ्रू ऑक्सीजन, तो ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स। ओके, थैंक यू, सारे टर्म्स अच्छी तरह से पढ़ लेना, ओके, अंडरस्टैंड एंड get the concept, it's quite an easy chapter, coordination compounds. Thank you, bye.